श्री वृंदावन धाम को बास भलो, या के पास बहे यमुना पट रानी, जो जन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रज दानी। वेद पुराण बखान करें महिमा सब संत मुनि मन मानी, यमुना यम दूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को भाई और बहन के पवित्र त्यौहार भाई दूज की मंगलमय बधाई। और आज हम आपको लेकर के आए हैं मथुरा नगरी, यमुना मैया की पावन गोद में। आज भक्त बहन और भाई आकर के यहाँ स्नान करते हैं। क्यों यहाँ स्नान किया जाता है और क्यों इतनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं स्नान के लिए, क्या महिमा है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे जो महापर्व हैं उनकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी घर बैठे प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री हमारे गोविंद की पटरानी श्री यमुना मैया के दर्शनों का। आनंद लीजिए, आप बोलिए यमुना मैया की जय। यमुना मैया की गोद में पक्षी कैसा कलरव कर रहे हैं और भक्त नौका के माध्यम से आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं यमुना मैया में नौका विहार करके। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो नीचे आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से ज़्यादा संख्या में संपर्क करके आप ब्रजमहिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि सुबह और शाम दोनों समय ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। और आइए अब जानते हैं आज के दिन की जो महिमा है पूज्य महाराज श्री से यमुना मैया के गोद में खड़े होकर के आज इस पूरी जानकारी को पूज्य महाराज जी से जानते हैं। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज अपना शुभ नाम आप बताओ। मेरा नाम प्रदीप चतुर्वेदी है। महाराज आपके चरणन में एक निवेदन है, बिल्कुल बिल्कुल। आज को पावन दिन है, आज के दिन भाई बहन यमुना स्नान के लिए मथुरा पधारे हैं। बिल्कुल पधारे हैं। आज के दिन की क्या महिमा है, क्या कथा है? महिमा कथा ये है कि यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है। पटरानी जी। तो जब यमराज जी को ऐसा मन भयो कि क्यों ना अपनी छोटी बहन को हलचल जानवे के लिए, छोटी बहन से मिलवे के लिए, तो यमराज जी स्वयं यहाँ पधारे हैं ब्रज में। और ब्रज में जब यमराज जी यहाँ पधारे हैं तो यमुना जी से इनको मिलन भयो है। यमुना जी और यमराज सूर्य के पुत्र पुत्री दोनों बहन भैया हैं जी। तो जब यहाँ स्वयं यमराज जी पधारे हैं और यमुना जी को आओ भगत करिए, यमुना जी ने एक भैया को जैसे वेलकम करें वो वेलकम भयो है, स्वागत स्वागत सत्कार भयो है। तो एक भैया को फर्ज ये हुए हमारे तुम्हारे धर्म में कि जब वो बहन के यहाँ जावे तो वाके लिए कछु दे के आवे या कछु दे आवे, ये ऐसा हमारे तुम्हारे बहन बेटी को भांजी को लेके जाएगो या फिर दे के आवे। वो तो वही डिमांड यमराज जी ने यमुना जी से करी है कि बहन कि आप मेरी बहन हो, आप मुझे ये बताओ कि मैं आपे ऐसो कह दूं जाते आपकी संतुष्टि हो और मैं आपको भैया हूँ, मेरा मान रह जाए जी। तो इनने कही कि देखो ठाकुर जी की धर्म पत्नी, आपकी बहन, सूर्य की मैं पुत्री, ऐसी तो मुझे कोई कमी ना है, पर भैया को मान रखना हो है। या भाई से यमुना जी ने विनती ये वरदान मांगो है कि कार्तिक माह की जो ये दुज तिथि को जो को कलयुग में अंतरकाल में जो यहाँ स्नान करे, पान करे, यमुना पूजन करे, तो ऐसा वरदान है बाकू कि भले वो कितना घोर पापी क्यों ना होए, वाकी पहली हाजरी बैकुंठ में ठाकुर जी के समक्ष ही लगेगी। यमपुरी नहीं जाना, यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा भाई। यमपुरी को हिसाब तो सबे करना है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नाय के यमपुरी के हिसाब से, पहले बाकी एंट्री बैकुंठ में ही होनी है, ठाकुर जी के ठाकुर जी में एंट्री होनी है, जो माने अपने ये क्रिया कर्म जो वाके आगे के पीछे के वाकी गणना वहाँ करी जाएगी, यमराज के यहाँ वाकी गणना नहीं होगी। ये ऐसो महात्म है, ऐसो वरदान है कि जो आज के दिन यहाँ स्नान करें, बहन भैया पान करें, पूजन करें, वे ठाकुर जी के धाम को ही, बैकुंठ धाम को ही जामे, इनको हिसाब में ही जुड़े, यमराज के यहाँ इनको हिसाब नहीं जुड़ सकेगा, यमराज की सामर्थ्य ना है कि इनको हिसाब जोड़ ले, ऐसा वरदान यमराज ने दियो यमुना जी को। और यमुना जी ने यमराज से ऐसा वरदान लियो है, तब से लेके और आज तक हर साल यही दिन कार्तिक की जो दोज पड़े या में सब बहन भैया पूजन करे, देश विदेश लंदन अमेरिका यानी कहाँ कहाँ थे यहाँ पे, मैंने सुने हुए यहाँ हाथ पकड़ के स्नान कर, बहन भैया हाथ पकड़ के पीछे क्या भाव, वो जल स्वरूप है ना यमुना जी। अच्छा, तो यमुना जी जो है जल स्वरूप है जी। तो जल स्वरूप में ही अब हाथ पकड़ के बहन भैया स्नान करेंगे तभी वो स्नान को महत्व मान हो जाए वो।
तो ऐसे कहें कोई 7 डुबकी ले, कोई 5 डुबकी ले, कोई 3 डुबकी ले, सबकी अपनी अपनी मनोकामना हो, अपने अपने व्रत हो, वाह हिसाब से बहन भैया यहाँ पूजन करें, यहाँ स्नान करें, और आप जो भी बहन भाई पधारे आज के, हाँ बिल्कुल, वो हाथ पकड़ के स्नान, हाँ बिल्कुल, हाथ पकड़ के स्नान करेंगे और फिर बहन भैया के तिलक करेगी और भैया भी यथाशक्ति दक्षिणा भेंट साड़ी चुन्नी मिठाई जैसी जाएगी, जाएगी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य को खेले हमें, कोई डिमांड को खेलना है बहन भैया के बीच में, तो वे सब पूर्ति वे यहाँ लाएंगे दिए हैं। अच्छा मारे यहाँ के स्नान के बाद फिर पूजा करी जाए, यही होगी पूजा घाट पे ही यमराज जी को जो मंदिर यहाँ पे, हाँ तो ये लोग जो तिलको दान लामे कारे तिलको दान लामे दर्शन के लिए, दर्शन के लिए जो वे वहाँ करें, और जो दूध फूल चढ़ावे यमुना जी की पूजन जैसे वो सब यही होगा घाट पे ही। तो बहन भैया बहन जो भैया के तिलक करेगी और भैया जो है सामर्थ्य के अनुसार बाकी दक्षिणा देंगे और सदैव बाकी रक्षा करेंगे बाकी संग रहेंगे ऐसो प्रवधान व वचन देंगे, तो वो ही मातम यहाँ को बिल्कुल है। और भैया आप यहाँ पधारे हो, आप सबकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दर्शक यहाँ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मौका लगे तो अपनी बहनों के संग में यहाँ जरूर पधारो, यहाँ स्नान करो, यहाँ दर्शन मेला करो और यहाँ पूजन करो। आप सबसे आज के पर्व पे मेरा यही निवेदन है, सब राजी रहे, खुशी रहे, सबको आनंद हो, जय जमुना मैया की, जय श्री कृष्ण, जय जमुना मैया, जय श्री कृष्ण, आपने खूब कृपा करी, आपको धन्यवाद, राधे राधे, राधे राधे सर। तो अभी आपने पूरी महिमा को जानो पूज्य महाराज जी के मुख से, कि यहाँ आने के बाद जो स्नान किया जाता है उसकी कितनी बड़ी महिमा है, जो भी बहन भाई आकर के यहाँ स्नान करते हैं आज के पावन दिन उनको यमपुरी के दर्शन नहीं करने पड़ते, वो ठाकुर जी के धाम को जाते हैं, इतनी बड़ी महिमा है। और आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं आप देख सकते हैं, आज बहन भाई पधारे हैं यमुना मैया के पावन स्नान के लिए, और देखिए किस प्रकार से बहन भाई हाथ पकड़ करके डुबकी लगाते हैं, कोई 5 डुबकी लगाता है, कोई 7 डुबकी लगाता है और कोई 11 डुबकी लगाता है, बहुत ही सुंदर भाव के दर्शन आज श्रीधाम मथुरा नगरी में यमुना मैया के पावन चरणों में। और आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया का पावन दिन जिसको समस्त संसार भाई दोज के नाम से जानता है, आइए अब आनंद लेते हैं यमुना मैया के पवित्र आचमन का, मानसिक रूप से आप सभी भक्त मेरे साथ यमुना मैया का आचमन प्राप्त करें, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको उसी पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी जो यहाँ आचमन करने के बाद होती है। तो आइए बोले यमुना मैया की जय, जय हो, जय हो, यमुने महारानी की जय। और आइए अब चलते हैं विश्राम घाट और वहां के भी आपको दर्शन कराते हैं, किस प्रकार का आनंद रस आज विश्राम घाट पर बरस रहा है। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, विश्राम घाट श्रीधाम मथुरा का वो स्थान है जहां मामा कंस का उद्धार करने के उपरांत भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था, तभी से उस स्थान को विश्राम घाट कहा जाता है। आइए अब चलते हैं विश्राम घाट, और अब हम पहुंच गए हैं विश्राम घाट पर, और देखिए किस प्रकार का यहाँ भक्तों का आज जन सैलाब उमड़ा है यमुना स्नान के लिए। आज समस्त भारतवर्ष से बहन और भाई पधारे हैं यमुना भैया के पावन स्नान के लिए। आइए चलते हैं विश्राम घाट पर, देखते हैं किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है और कैसे आज के दर्शन है। और अब हम विश्राम घाट के बिल्कुल नजदीक हैं और आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं स्नान के लिए, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व होता है। भाई और बहन आज के दिन हाथ पकड़ करके यमुना स्नान करते हैं तो उनको यमपुरी की यातना नहीं झेलनी पड़ती। और अब हम पहुंच गए हैं यमुना मैया के विश्राम घाट पर, और यहाँ किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है आप उसके भी दर्शन करो। आज कितनी संख्या में बहन और भाई पधारे हैं यमुना स्नान के लिए, जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, ऐसी अद्भुत महिमा है हमारी यमुना मैया की। आज के पावन दिन देश और विदेश से श्रद्धालु बहन और भाई पधारते हैं यमुना मैया के स्नान के लिए, और किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं वो आप दर्शन के माध्यम से देख रहे हैं। हाथ पकड़ करके बहन और भाई यमुना मैया में आज स्नान कर रहे हैं और एक दूसरे की लंबी उम्र की आज कामना प्रभु के चरणों में कर रहे हैं। और देखिए भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं, अपने साथ ये माता गोपाल जी लेकर के आई हैं और गोपाल जी को यमुना मैया में स्नान करा रही हैं। हमारे गोविंद की पटरानी हैं श्री यमुना महारानी, और आज गोपाल जी को अपनी गोद में लेकर के यमुना स्नान करा रही हैं।
धन्य ऐसे भावों को और धन्य ऐसी भक्ति को। और देखिए किस प्रकार से भाई और बहन हाथ पकड़ करके स्नान कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने दोनों हाथ पकड़ रखे हैं बहन के और स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं अपना मैया में। बोलिए हमने महारानी की जय, और एक दूसरे की लंबी उम्र की कामना यमुना मैया के चरणों में ये भक्त करते हैं। और आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ यमुना मैया के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन आप प्रजमेमा चैनल के माध्यम से प्राप्त करें। बोलिए यमुनी महारानी की जय। रंग बिरंगी नौकाएं यमुना मैया की गोद में विराजमान है, कैसा सुंदर दृश्य है महाराज। ऐसे दर्शनों के लिए देवता भी तरसते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं विश्राम घाट पर। मामा कंस का उद्धार करने के उपरांत भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर आकर के विश्राम किया था, तभी से इस स्थान को विश्राम घाट कहा जाता है। और यहाँ कृष्ण बलराम के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन होते हैं। एक बार दर्शनों का आप आनंद लें। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। भगवान कृष्ण की बड़ी ही सुंदर छवि के यहाँ दर्शन होते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था मामा कंस का उद्धार करने के उपरांत। और आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु यमुना स्नान के लिए पधारे हैं भाई दूज के पावन दिन। और ये स्थान के मैं आपको दर्शन कराऊं, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, शाम को यहाँ से यमुना मैया की आरती की जाती है। ये आरती स्थल के आप दर्शन कर रहे हैं। और अभी आपने यमुना मैया के जल स्वरूप में दर्शन किए और विश्राम घाट पर साक्षात स्वरूप में यमुना मैया विराजमान है। आप एक बार दर्शन का आनंद प्राप्त करें। बोलिए यमुनी महारानी की जय। श्याम सुंदर यमुनी महारानी की जय। विश्राम घाट पर बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन माँ यमुना के सभी भक्तों को हो रहे हैं। और अपने भक्तों के ऊपर यमुना मैया खूब कृपा बरसा रही है। आज भाई दूज के पावन दिन, और बाहर से कुछ श्रद्धालु आज यमुना स्नान के लिए पधारे हैं। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। प्रभु राधे 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 राधे। मेरा सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। अमन है मेरा नाम। कहाँ से पधारे हैं आप? आगरा से। आपने ये महिमा कहाँ से सुनी महाराज जी? हमने महिमा तो अपने माता पिताओं से ही सुनी है कि भाई दूज एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पे आप अपनी बहन आपकी टीका करती है जी, प्रेम का एक संबंध होता है। तो ये महिमा यमुना जी की महिमा से चलती हुई आ रही है जी। इसके दर्शन करने के बाद जब बहन भाई का टीका होता है तो एक उल्लास भरने बनता है जी। और यही हम सुनते आ रहे हैं, इसी का हम करते हैं राधे राधे करते हैं। आज क्या भाव आपने अर्पण किए हैं यमुना मैया के चरणों में? भाव का तो ये ऐसा है कि अपने बहन का तिलक से तिलक प्राप्त करते हुए, अपनी बहन का प्यार प्रेम प्राप्त करते हुए माता रानी के चरणों में अपना सर झुका के उनको सक्षत नमन करते हैं। जय जय बहन जी। आप अपने भाव व्यक्त करें, आप भाई के साथ आप पधारी हैं यमुना मैया के स्नान के लिए, तो आपने किस आनंद को आज प्राप्त किया है? जी राधे राधे। ये आनंद है कि अपने भाई की लंबी उम्र के लिए हम लोग यहाँ पे कामना करते हैं। मेरी तो यमुना मैया से यही कामना है कि मेरे भाई को लंबी उम्र और संपत्ति सुख सब दे। आज यमुना मैया के चरणों में आपने ये भाव अर्पण करे हैं। बोलिए यमुने महारानी की। तो देखा आपने ये भक्त किस आनंद रस में डूब जाते हैं और यमुना मैया से यही प्रार्थना करते हैं। भाई कहते हैं कि मेरे बहन की लंबी उम्र हो, और बहन कहती हैं कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो। दोनों एक दूसरे की लंबी उम्र की कामना यमुना मैया के श्री चरणों में करते हैं। यही आज के दिन की महिमा है और यही आज के दिन का भाव है। और यमुना मैया अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरा किया करती हैं। और यमुना मैया के दर्शनों के उपरांत आइए चलते हैं अब मंदिर में। और यमराज जी और यमुना मैया के एक साथ बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन है। आइए चलते हैं और वहाँ भी किस प्रकार का आनंद रस है, कैसे वहाँ के दर्शन है, आइए आनंद लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं यमुना जी और धर्मराज जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं और किस प्रकार के दर्शनों का आनंद रस है उसको भी आज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए प्रवेश करते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। और यहाँ जीव के जो कर्म फल होते हैं उनका यहाँ दर्शन कराया गया है कि किस कर्म को करने का क्या फल जीव को प्राप्त होता है। बीच में धर्मराज महाराज विराजमान है और उनके दोनों तरफ जीव के अनेकों कर्मों के फल की भी यहाँ दर्शन किए जाते हैं।
अपने जीवन काल में जो जीव अनेकों प्रकार के कर्म करता है उनका क्या क्या फल होता है, यहाँ पूरा विस्तार से दर्शन के माध्यम से उसको दिखाया गया है। और आइए अब चलते हैं यमुना मैया के श्री चरणों में। यहाँ साक्षात धर्मराज जी भी विराजमान है, दोनों भाई बहनों के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन है। और आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं, अपने अपने मन की कामना लेकर के आज यमुना मैया और धर्मराज जी के श्री चरणों में ये भक्त पधारे हैं। आइए हम भी चलते हैं और दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। बोले हमने महारानी की जय। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम मथुरा नगरी से धर्मराज जी और यमुना मैया के, दोनों भाई बहनों के साथ में दर्शन है। और मैं तो कहूँ कि संसार में केवल अकेला ये मंदिर है जहाँ यमुना मैया और धर्मराज जी के एक साथ दर्शन होते हैं। और सभी बहनें और भाई अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आज यमुना मैया और धर्मराज जी के चरणों में पधारे हैं। ब्रजमंडल का बड़ा ही प्राचीन स्थान जो कि विश्राम घाट के पावन तट पे ही विराजमान है। और जो भी भक्त यहाँ स्नान के लिए आज पधारे हैं, जो भी भाई बहन आज स्नान करके पधारे हैं, वो यहाँ स्नान के उपरांत दर्शन करने जरूर आते हैं और अपने अपने भाव यमुना जी और धर्मराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं। यमुना मैया सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं कि जो भी भक्त इस कामना को लेकर के आज मेरे चरणों में आया है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो। और आज आपने भाई दूज के पावन दिन यमुना मैया के और धर्मराज जी के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही होते रहें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल के संपूर्ण आनंद रस के दर्शन के लिए आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको घर बैठे ब्रजमंडल के आनंद रस के दर्शन सहज में ही होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम मथुरा नगरी और यमुना मैया के पावन चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।